एक बार महाराज जी ने एक भक्त से बड़े ही भाव के साथ कह दिया था कि हम तो सबकी सुनूं तो तेरी क्यों ना सुनूं, अर्थात जब मैं सबकी सुन लेता हूं तो तेरी क्यों नहीं सुनूंगा। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीप करौली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि महाराज जी आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट और कष्ट आने के बाद ही आपकी सुनेंगे। बाबा आपके मस्तिष्क के विचार, आपके मन की उथल पुथल और आपके जीव आत्मा की चाह है, ये सारे के सारे भाव महाराज जी हर समय सुनते रहते हैं। अगर आप इस समय किसी और से बात भी कर रहे हैं वह भी महाराज जी सुनते हैं। अगर आप किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं और नहीं कह पा रहे हैं तो वह भी महाराज जी सुनते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको कुछ कहे तो वह भी बाबा भली बातें सुनते हैं। लेकिन इतना कुछ महाराज जी अगर सुन रहे होते हैं तो फिर भला हमारे जीवन में संकट कैसे, तो फिर भला हम कैसे फंस जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि बाबा जिस दृढ़ता के साथ हमारे से जुड़े होते हैं हमारे में अभी वो दृढ़ता नहीं आई होती है। इसी कारण से हर क्षण हम महाराज जी की बात नहीं सुन पाते हैं, बल्कि जब हम स्वयं बहुत बड़े संकट में फंस जाते हैं, बहुत बड़ी समस्याओं से घिर जाते हैं, तब हम महाराज जी की तरफ आस लगाकर देखते हैं इस भाव से कि बाबा एक संकेत भी आपने दिया तो भी समझ जाऊंगा। यानी कि उस समय तो हम महाराज जी की बातों को सुनने और समझने के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहते हैं, पूर्ण रूप से दृढ़ रहते हैं। परंतु नित्य क्रम के जीवन में हम बाबा के द्वारा दिखाए जाने वाले मार्ग और संकेतों को न सुन पाते हैं, न देख पाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि जब गिलास खाली हो तो वो भरने वाले को दोष नहीं देता। जी हाँ, गिलास खाली होने पर पहले उसे स्वयं को भरना होता है, उसके बाद उस सामने वाले से बात करे। बिल्कुल ठीक, एक मनुष्य के साथ में, एक भक्त के साथ में यही परिस्थिति उसके जीवन में होती है कि पहले वह अपना दृढ़ विश्वास तो उस स्तर पर लेकर आए कि जहाँ पर वह महाराज जी का हर क्षण दर्शन कर सके, कि जहाँ पर हर क्षण वह महाराज जी की बात को सुन सके, हर क्षण बाबा के द्वारा दिखाए गए मार्ग और संकेत को पहचान सके। अगर एक भक्त अपनी भक्ति में इस स्तर पर आ जाता है तो उसके बाद उसके जीवन में समस्याएं तो वैसे ही नहीं रहती, क्योंकि समस्या बनती उससे पहले ही वह जान जाता है कि मैं इस समस्या को जिस तरह से देख कर जो कुछ ही बोल रहा हूं, जो कुछ ही बात कर रहा हूं, वह सब कुछ महाराज जी सुन रहे हैं। और महाराज जी को अपने भक्त के हर क्षण की बात को सुनने के लिए स्वयं को अकेला करने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, बाबा कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, कितने ही हजारों भक्तों से क्यों न घिरे हों, आप कहीं भी छिपकर कोई गतिविधि क्यों ना कर रहे हों, सब कुछ महाराज जी सुनते हैं, सब कुछ महाराज जी देखते हैं। और इसीलिए समस्या आने के बहुत ही प्रारंभ की दिशा में बाबा आपको संकेत जरूर देते हैं, लेकिन होता क्या है कि मनुष्य उन संकेतों को पहचान नहीं पाता, बस अपने ही धुन और अपने ही अहम का राजा बना रहता है। और जब वही राजा शिकार करने यानी कि अपने परिणाम को प्राप्त करने, उस पर अपना स्वामित्व जताने का समय लेकर आता है तो उस समय जाकर वह औंधे मुँह गिर जाता है और तब उसके सामने आता है वह संकट जिससे वो बाहर ना निकल सके। पर ऐसी स्थिति में उसे फिर से याद आती है महाराज जी की। बाबा किस तरह से एक भक्त की सारी बातें सुनते हैं, इसके लिए आज आपको महाराज जी की एक सत्य घटना पर लेकर चलते हैं। आप भी बाबा के साथ में बाबा की लीला का हिस्सा बनिए। दोस्तों, रवि प्रकाश पांडे जी जिन्हें महाराज जी बड़े ही प्यार से राजीदा कहा करते थे, वो बताते हैं कि यह घटना 15 जून 1973 की है। उस दिन वो कैंची के मंदिरों की प्रतिष्ठा दिवस समारोह में भाग लेने के लिए गए हुए थे। जब वे वहाँ पर गए थे उन्हीं दिनों उनके घर में उनके ज्येष्ठ पुत्र की शादी की चर्चा चल रही थी। कई घरों से रिश्ते आ रहे थे। चूँकि लड़के का कद बहुत ज़्यादा था इसलिए लड़की भी कद में बड़ी होनी चाहिए थी, और यही एक समस्या उनके सामने उनके जीवन में अड़ गई थी। रिश्ते तो बहुत आ रहे थे लेकिन जो भी रिश्ता उन्हें पसंद आता वहाँ पर लड़की का कद वो कम पाते। मन में उठी इन्हीं शंकाओं के कारण राजीदा बार बार ये सोचते कि थोड़ा और टटोला जाए। और वहीं पर महाराज जी का भक्त होने के बावजूद राजीदा को बाबा से इस बारे में चर्चा करने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। वो महाराज जी से मिलकर जानना चाहते थे कि बाबा, जिन रिश्तों से हमारी मुलाकात हो रही है, क्या इनमें से कोई रिश्ता कद में बराबर न होने के बावजूद मेरे पुत्र के लिए उपयुक्त रहेगा। राजीदा चाहते थे कि महाराज जी की सहमति मिल जाए तो वहीं पर वो अपना रिश्ता पक्का कर देंगे। जैसा कि उन्होंने बताया कि बाबा से उनकी इस बारे में चर्चा नहीं हो पा रही थी, लेकिन वे जब महाराज जी के दर्शन करने गए तो भरी भीड़ के बीच में महाराज जी ने उनसे सीधा कह दिया कि अब तो अपने बड़े लड़के का विवाह कर दे। राजीदा ने हाथ जोड़े हुए कहा कि कहाँ करूँ महाराज जी। बाबा ने झुकते हुए पूछा कि कहाँ कहाँ से संबंध आए हैं। तब श्री पांडे जी ने सभी प्रस्तावों की जानकारी महाराज जी को समय दी तो बाबा ने कहा कि इलाहाबाद में श्री अम्बादत्त तिवारी जी की सुपुत्री से विवाह कर दे। आपको यहाँ पर बता दें कि अम्बादत्त तिवारी जी, जिनका नाम महाराज जी ने लिया,
वो तिवारी जी और उनके परिवार के लोगों को कभी भी बाबा नीब करौली जी के दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी महाराज जी ने उन्हीं का नाम सुझाया, यानी कि बाबा का संकेत स्पष्ट रूप से दृढ़ता की ओर था। श्री पांडे जी ने इस रिश्ते के बारे में बाबा से फिर कुछ कहा नहीं। एक सिख परिवार की कुलीन और विदुषी लड़की बाबा की निगाह में आई और उन्होंने अपनी सलाह श्री पांडे जी को दे दी। उन्होंने दो बार इस लड़की के बारे में अपने विचार प्रकट किए, लेकिन चूंकि मुलाकात नहीं होने के कारण पांडे जी थोड़ी दुविधा में थे कि अगर लड़की का कद नाटा हुआ तो क्या होगा। तभी महाराज जी ने तीसरी बार सीधा आदेश ही दे दिया और कहा कि यह मेरी आज्ञा है, तिवारी की यहीं पर शादी करो। तब राजीदा ने अपने साथ लाई हुई अपने पुत्र की जन्मपत्री बाबा की ओर बढ़ा दी। महाराज जी ने वह जन्मपत्री लेकर उसे कांख में दबा लिया। अंत में बाबा ने अपने दाहिने हाथ की अंगुली खड़ी कर धीरे से कहा कि लड़की का कद ठीक है। बाबा ने जो ही यह कहा, राजीदा तो पूरी तरह से खिलखिला उठे। उन्हें विश्वास हो गया कि महाराज जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया है, लेकिन लड़की के कद के बारे में श्री पांडे की पत्नी ने इलाहाबाद में उनसे चर्चा की थी। फिर वो बात भला बाबा को कैसे पता लगी और कैसे उन्होंने यहाँ बैठे हुए इस शंका का समाधान कर दिया। श्री पांडे इस बात से चकित थे कि कैंची में रात दिन लोगों से घिरे रहने के बावजूद इलाहाबाद में उनके भीतर की चर्चा बाबा ने कैसे सुन ली। परंतु बाद में जिस तिवारी परिवार का सुझाव महाराज जी ने दिया था, पांडे जी ने जब उनके बारे में पता किया और उनसे मुलाकात करी तो उन्होंने पाया कि वास्तव में उनकी लड़की का कद काफ़ी अच्छा था और वह उन्हें अपने घर की वधू बनाने के लिए तैयार हो गए। महाराज जी के आशीर्वाद से उनके ज्येष्ठ पुत्र का विवाह संपन्न हुआ और बाबा के द्वारा सुझाए गए परिवार से उनके घर में एक लक्ष्मी आई। राजीदा कहते हैं कि महाराज जी ना सिर्फ आपके संकट में पुकारने पर आपकी सुनते हैं, बल्कि आप प्रतिदिन क्या कर रहे हो, नित्य जीवन के अंदर आप क्या क्या विचार, क्या क्या चर्चाएं कर रहे हो, सब कुछ महाराज जी सुनते हैं। अगर आप महाराज जी पर पूर्ण दृढ़ता के साथ में विश्वास रखते हो, संपूर्ण रूप से समर्पित रहते हो, तो बाबा आपकी कोई भी बात को अनसुना नहीं करते। इसका सीधा सा मतलब है कि महाराज जी की बहुत ही तीखी और प्यारी निगाह आपके जीवन के एक एक क्षण पर होती है। दोस्तों, आप तो कहीं सोचते होंगे कि हमारे जीवन में जब बड़ा संकट आएगा तभी शायद महाराज जी की कोई कृपा का हमें एहसास होगा, लेकिन बाबा तो हर क्षण आपके साथ में, आपकी हर बात में अपनी विशेष कृपा करने के लिए आप ही के पास रहते हैं। महाराज जी कभी आपसे दूर जाते ही नहीं, आप स्वयं के विचारों में उलझकर उनसे दूर जाने के लिए पग उठा लेते हो। अपने जीवन के अंदर भक्ति मार्ग पर चलते हुए एक भक्त के द्वारा पूर्ण निश्चिंतता अति आवश्यक है। आपको हमेशा महाराज जी के साथ में निश्चिंत रहना चाहिए। आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि जो कुछ भी आप करते जा रहे हैं वो सब कुछ महाराज जी देखते और सुनते जा रहे हैं, और जब आप कहीं पर फंस जाओगे तो बाबा ही आपको संकेत भी देंगे, समाधान भी देंगे, और फिर भी अगर नहीं बाहर निकलोगे तो महाराज जी स्वयं आ जाएंगे आपको बाहर निकालने के लिए। बाबा का सानिध्य दोस्तों हवा और जल जैसा है, ये प्राण हवा और जल के बिना रह नहीं सकते। बिल्कुल ठीक इसी तरह से महाराज जी अपने भक्तों के बिना नहीं रह सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि महासंकट आने पर ही महाराज आपके नज़दीक आएंगे तो यह निरी मूर्खता है। बाबा आपके साथ हर समय रहना चाहते हैं। जितना ज़्यादा आप उनके साथ रहना चाहते हो उससे लाख गुना ज़्यादा महाराज जी आप ही के साथ रहना चाहते हैं। ये विश्वास अगर आपकी आत्मा ने धारण कर लिया तो दोस्तों जीवन बहुत आसान हो जाएगा। कहीं जीवन के अंदर कोई संकट नहीं, कहीं जीवन में कोई परेशानी नहीं, सब कुछ महाराज जी अपने दिव्य आशीर्वाद की छत्र छाया के तले स्वयं ही संचालित करते जाते हैं और आपको बस उसका आनंद लेने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। बाबा के इसी आनंद में सदैव बने रहिए और महाराज जी की विशेष कृपा का हमेशा आनंद लेते रहिए। आशा करते हैं आज का एक खास वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम पर हमारे पेज हनुमान सेवा परिवार को सर्च करके वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंग के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीब करौली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सियाराम।